नमस्कार दोस्तों, अपने इनकम टैक्स के डिस्कशंस की श्रृंखला में मैं आज आपके साथ मकान संपत्ति या जमीन बेचने पर हुए कैपिटल गेन को कैसे बचाएं, इस इंटरेस्टिंग विषय पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो मेरी ये वीडियो सर आपको निश्चित रूप से गाइड कर पाएगी कि आपने यदि कोई कैपिटल गेन आपको हुआ है किसी रियल एस्टेट को बेचने से और उसको बचाने की ठान रखी है, तो वो कैपिटल गेन का टैक्स आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। तो अब सर मैं अपने डिस्कशन की शुरुआत करता हूं और इस शुरुआत में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहा हूं जो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको आंसर देने की कोशिश करेगी। क्या मकान संपत्ति या जमीन एक पूंजीगत संपत्ति कैपिटल एसेट है अथवा नहीं? यदि हाँ तो उसके बेचान अथवा सेल पर हुए कैपिटल गेन को कैसे बचा सकते हैं? इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन टैक्स कैसे बच सकता है? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचता है? कैपिटल गेन की गणना का सही तरीका क्या है? तो मैं अपने आने वाले डिस्कशन में सर इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने की और आपको उनका उत्तर दिलाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए सर, ये मेरा पहला प्रश्न था, क्या मकान संपत्ति या जमीन एक पूंजीगत संपत्ति है भी अथवा नहीं? तो मैं आपके सामने सबसे पहला पॉइंट लेकर के आना चाहता हूं कि वन शुड नो द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक इन ट्रेड एंड कैपिटल एसेट। मान लीजिए सर मैं एक बिल्डर हूं और मेरे पास में फ्लैट्स हैं या मेरे पास में मकान संपत्ति है या मेरे पास में प्लॉट है जिन्हें मैं खरीदता बेचता रहता हूं, तो ऐसे खरीद बेच से होने वाली आय सर पूंजीगत संपत्ति से हुई आय यानी कैपिटल गेन की इनकम नहीं मानी जाएगी। यानी अगर मैं स्टॉक इन ट्रेड के रूप में किसी पर्टिकुलर रियल एस्टेट को नहीं रखता, चाहे वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रियल प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट के केस में कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, तभी वो कैपिटल एसेट की परिभाषा में जाएगी। और सर ये डिस्टिंग्विशमेंट इसलिए जरूरी है, ये अंतर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड से हुआ कोई भी लाभ अथवा हानि प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेशन होने जाता है, जबकि कैपिटल एसेट यानी पूंजीगत संपत्ति से होने वाला कोई भी लाभ अथवा हानि कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेशन होने जाती है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है सर, यदि मान लीजिए मैंने तय कर लिया कि मेरी जो संपत्ति है वो एक कैपिटल एसेट है, तो अब लॉ कहता है इसको भाटिया जी डिस्टिंग्विश करिए, क्या आपकी एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? रियल एस्टेट के संदर्भ में सर बड़ा स्पष्ट रूल है, यदि आपने कोई भी संपत्ति जो कि रियल एस्टेट है, वो एक लैंड हो सकती है, वो रेजिडेंशियल हाउस हो सकती है, और आज की तिथि में यानी जून 2019 में जब मैं बात कर रहा हूं, यदि आपने उसे 2 साल से ज्यादा होल्ड करके बेचा है तो सर वो एसेट लॉन्ग टर्म है, और यदि आपने 2 साल से कम उस एसेट को होल्ड रख के बेचा है तो वो एसेट शॉर्ट टर्म गेन देगी। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का ऐसा डिस्टिंग्विशमेंट सर आपको इंडेक्सेशन के संदर्भ में इंपॉर्टेंट होता है और आपकी टैक्स रेट के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंस रखता है। अब देखिए सर, मैंने तीसरा प्रश्न रखा, यहां आवासीय संपत्ति है या व्यावसायिक संपत्ति है? हालांकि कैपिटल गेन की गणना दोनों ही परिस्थिति में सेम तरीके से की जाएगी, लेकिन सर जब हम रीइन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी एग्जम्पशन का मिलना अथवा न मिलना बहुत बार इस बात पर भी डिपेंडेंट करता है कि क्या बेची गई संपत्ति एक आवासीय संपत्ति थी या व्यावसायिक संपत्ति थी। मैं इसके ऊपर भी सर आगे आपसे डिस्कशन करता हूं। कृषि भूमि अथवा गैर कृषि भूमि, ये एक इंपॉर्टेंट अंतर हमें ध्यान रखना है सर। यदि बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट जो है लॉ में वो ये है कि कृषि भूमि सर कैपिटल एसेट नहीं होती और बाकी सारी भूमि जो बच गई वो गैर कृषि भूमि होगी, यहां पर अंतर हमें ये नहीं देखना कि आपका जो पर्टिकुलर मकान है वो गांव में है या वो शहर में है, मकान हमेशा कैपिटल एसेट है। लेकिन जो आपकी एग्रीकल्चर लैंड है सर, यदि वो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एग्रीकल्चर लैंड है तो वो कैपिटल एसेट ही नहीं होगी। अब ऐसी परिस्थिति में बेनिफिट क्या है? बेनिफिट सीधा सा ये है, यदि आपकी कोई कृषि भूमि है जो रूरल एरिया में यानी म्युनिसिपल एरिया से बाहर सिचुएटेड है और यहां बाहर के लिए कुछ बाउंड्रीज तय कर रखी है लॉ ने कि म्युनिसिपल एरिया से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज्यादा बाहर है, जैसा म्युनिसिपल एरिया की जनसंख्या पर डिपेंड करता है, तो ऐसी परिस्थिति में सर आपकी यदि कृषि भूमि म्युनिसिपल एरिया और उसके सरकमफ्रांस से 2, 6 या 8 किलोमीटर जैसी भी परिस्थिति उससे बाहर है, ऐसी कृषि भूमि के सेल पर आने वाला कैपिटल गेन टैक्सेबल ही नहीं होगा। मैं इसे एक बहुत सरल उदाहरण से रखता हूं सर। मान लीजिए मैं जयपुर का रहने वाला हूं और मेरे पास जयपुर से 25 किलोमीटर दूर कोई पर्टिकुलर 5 बीघा जमीन है,
मैं उसे 5 लाख रुपए बीघा के हिसाब से 25 लाख रुपए में बेच रहा हूं। सर मुझे कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि मैं म्युनिसिपल एरिया जयपुर के 8 किलोमीटर के बियॉन्ड वो पर्टिकुलर कृषि भूमि है तो वो पर्टिकुलर कृषि भूमि कैपिटल एसेट ही नहीं मानी जाएगी, तो मुझे किसी प्रकार का कैपिटल गेन का टैक्सेशन इस परिस्थिति में नहीं आएगा। तो सर मैं पुनः एक बार आपके सामने मेरे प्रश्न रखता हूँ जिनका आपको ध्यान से अंतर करना है। जो संपत्ति आप रियल एस्टेट बेच रहे हैं, क्या वो स्टॉक इन ट्रेड है या कैपिटल एसेट है? क्या वो लॉन्ग टर्म बेच रहे हैं या शॉर्ट टर्म बेच रहे हैं? क्या वो आवासीय संपत्ति है या व्यावसायिक संपत्ति है? यदि वो कृषि भूमि है एवं शहरी क्षेत्र से बाहर है तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, परंतु यदि वो गैर कृषि भूमि है या शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है या शहरी क्षेत्र से 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर में जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा आने वाली कृषि भूमि है, तो आपको कैपिटल गेन की टैक्स लायबिलिटी देनी पड़ेगी। अब मैं ये प्रश्न लेके चल रहा हूं सर कि यदि आपकी एसेट एक कैपिटल एसेट है तो उसके बेचान या सेल पर हुए कैपिटल गेन को आपको बचाना है तो कैसे बचाएंगे? तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यहां आपके सामने लिया सर, दोबारा निवेश कहां कर सकते हैं? दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन सर। आप दोबारा निवेश करेंगे वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने बेचा क्या है सर। यदि आपने जमीन बेची है तो आपका दोबारा निवेश करने का प्रस्पेक्टिव क्या होगा, और यदि आपने एक मकान संपत्ति बेची है तो आपका दोबारा निवेश करने का प्रस्पेक्टिव क्या होगा? इस बात को ध्यान से समझिएगा सर। यदि आपने एक मकान संपत्ति यानी एक बना हुआ मकान बेचा है सर, तो आप एक नए मकान में निवेश कर सकते हैं और आपको निवेश करते समय केवल कैपिटल गेन की राशि इन्वेस्ट करनी है। आपको पूरा प्रतिफल यानी पूरा सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हो। तो सर ये फर्क आ गया। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका दोबारा निवेश करने पर कैपिटल गेन की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, परंतु यदि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और किसी मकान संपत्ति से आया कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म है मैं पुनः कह रहा हूं सर, और आपने उस कैपिटल गेन को एक नई मकान संपत्ति में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको कैपिटल गेन के टैक्सेशन से बचत हो सकती है। हाँ यदि आप कहते हैं कि नहीं भाटिया जी मैंने तो कोई प्लॉट ऑफ लैंड बेचा है और मैं नया प्लॉट ले रहा हूं, क्या मुझे एग्जम्पशन मिलेगी? मेरा उत्तर है नहीं सर। अगर आप एक प्लॉट ऑफ लैंड बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप एक मकान बनाएंगे इस प्लॉट ऑफ लैंड को बेचने पर आए नेट कंसिडरेशन से। यदि आप मकान नहीं बनाएंगे तो सर आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एक और बात सर मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं कि यदि आप मकान बना रहे हैं किसी प्लॉट को बेचकर, तो जिस दिन आप ऐसा मकान बना रहे हैं उस दिन आपके पास एक से ज्यादा और मकान नहीं होना चाहिए, यानी एक मकान ऑलरेडी और एक ये, टोटल 2 से ज्यादा मकान आपके पास में नहीं हो सकते, तभी आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। एक और सर तीसरा पक्ष मैं यहां रख देता हूं, दोबारा निवेश करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान आपके पास में NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड्स भी हैं, जो कि सेक्शन 54EC ऑफ इनकम टैक्स में आपको मिलता है कि यदि आपने एक लॉन्ग टर्म एसेट बेची जो कि लैंड भी हो सकती है, रेजिडेंशियल हाउस भी हो सकता है, और आपने कैपिटल गेन की राशि को 50 लाख रुपए तक यदि किसी NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो भी आपको कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिलेगा। मैं अगला प्रश्न जोड़ता हूं सर इसमें, दोबारा निवेश की अवधि या समय सीमा क्या है? ये इंपॉर्टेंट है सर। मैंने आपके सामने 3 प्रकार का दोबारा निवेश का एग्जम्पशन रखा और मेरी ये जो बातें मैं कर रहा हूं सर ज्यादातर एक इंडिविजुअल और HUF के लिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं मेरी वीडियो में, मैं बाकी के एसएससीज पर अभी यहां डिस्कशन नहीं कर रहा। दोबारा निवेश की अवधि, यदि आपने मकान बेचा है तो लॉ कहता है बेचने से 1 वर्ष पहले आपने संपत्ति खरीदी या बेचने के 2 वर्ष बाद आपने संपत्ति खरीदी एलिजिबिलिटी होगी। दूसरा, यदि आपने कोई पर्टिकुलर लैंड बेची है और आप नया मकान बना रहे हैं तो बेचने से 1 साल पहले बनाया गया मकान, खरीदा गया मकान या बेचने के 2 वर्ष बाद के अवधि के अंदर बनाया गया मकान या खरीदा गया मकान आपको कैपिटल गेन की एग्जम्पशन दिला सकता है। साथ ही साथ लॉ ने यह भी कहा है कि यदि आप दोबारा निवेश कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं यानी मकान बनाने में कर रहे हैं तो निवेश की अवधि 2 साल की जगह सर 3 साल मिलेगी, तो ये बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है। एक और बात मैंने अभी आपको बोला था सर, NHAI या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड्स भी हम ले सकते हैं, उसकी समय सीमा सर मात्र 6 महीने है। आपको 6 महीने के अंदर डेट ऑफ सेल से NHAI रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के बॉन्ड ले लेने हैं यदि आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं तो। मेरा अगला प्रश्न है सर, क्या शेयर बॉन्ड में दोबारा निवेश कर सकते हैं? तो मैंने सर आपको बोला ही है कि यदि आपने रियल एस्टेट बेची
और सेक्शन 54 ईसी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में आप शेयर्स या बॉन्ड खरीदते हैं विद इन 6 मंथ, तो आपको 50 लाख रुपीज तक के कैपिटल गेन की एग्जम्पशन मिलेगी। अगला प्रश्न, दोबारा निवेश की गई संपत्ति को कब तक रखना है? यह भी सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस करते हैं। यदि आप किसी संपत्ति में निवेश कर रहे हैं और आप कैपिटल गेन की एग्जम्पशन ले रहे हैं, तो लॉ ये कहता है कि नई संपत्ति को आपको 3 वर्ष तक रखना है। यदि आपने नई संपत्ति 3 वर्ष तक नहीं रखी, तो पुराना कैपिटल गेन जो आपको एग्जम्प्ट हुआ था वो एक तरीके से टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसलिए सर ये भी ध्यान रखना है, केवल ये नहीं कि नया मकान खरीद लिया थोड़े समय बाद बेच देंगे, नहीं सर, नए मकान को या जो आप खरीदते हैं या बनाते हैं उसको भी आपको 3 वर्ष की अवधि तक रखना है। दोबारा निवेश कितनी राशि का करना है? सर यदि आप नया मकान खरीद रहे हैं बना रहे हैं तो राशि की कोई लिमिट नहीं है सर। आप कैपिटल गेन की राशि या नेट कंसिडरेशन, जब भी आपके लिए शर्त एप्लीकेबल हो आप इन्वेस्ट करें। इट कुड बी इन फ्यू लैक्स और इट कुड बी इन क्रोर्स ऑफ रुपीस, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बॉन्ड में मैं आपका ध्यान पुनः आकर्षित करना चाहूंगा, बॉन्ड खरीदने पर एग्जम्पशन तभी मिलेगा जब आप 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं। इससे ज्यादा के बॉन्ड लेने पर आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 50 लाख के ऊपर उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। इसी केस में एक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धाराओं में छूट का प्रावधान है? तो सर मैं ये कह सकता हूं सेक्शन 54, सेक्शन 54 ईसी एवं सेक्शन 54 एफ, ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सर। और एक सेक्शन और मैं जोड़ना चाहूंगा जिस पर मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, वो आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 54 बी। यदि आपने एक शहरी कृषि भूमि बेची है जो आप वास्तव में कृषि के पर्पजेस से काम में ले रहे थे और अब आप उस जमीन को बेचकर नई कृषि भूमि खरीद रहे हैं, तो भी आपको कैपिटल गेन का रीइन्वेस्टमेंट जितना आपने नई कृषि भूमि में किया है उसका एग्जम्पशन एज पर सेक्शन 54 बी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा। तो सर यहां मैंने आपको आंसर देने का कोशिश किया कि आपने जो संपत्ति बेची उसके सेल पर हुए कैपिटल गेन को कैसे आप बचा सकते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर कि इंडेक्सेशन से कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचता है? इंडेक्सेशन होता क्या है सर, जरा इस बात को समझिएगा। इंडेक्सेशन मेरी ओपिनियन में सीधे सीधे इन्फ्लेशन का ऑफसेट इफेक्ट है। मैंने एक संपत्ति 2001-2 में खरीदी थी, तब 1 लाख की आई। आज वो संपत्ति सर मेरे को 1 लाख में थोड़ी ना मिलेगी, नेचुरली महंगाई बढ़ गई इतने समय में। तो 1 लाख से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस समय इंडेक्स 100 होता था और आज 280 हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ये कह रही है कि ओके भाटिया जी, 1 लाख की चीज हमारे हिसाब से महंगाई के रिकॉर्ड पे 280 तो हो ही गई है। अब 280 से ज्यादा मान लीजिए मैंने उसे 380 में बेच दिया, तो जो एक्स्ट्रा मेरे को 1 लाख रुपए आया सर, केवल उसी पर सरकार टैक्स कर रही है। तो एक तरीके से सर इंडेक्सेशन का कॉन्सेप्ट असेसी को निश्चित रूप से कैपिटल गेन टैक्स बचाने में फायदा करता है। मैं यहां प्रश्नों के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेरा पहला प्रश्न, इंडेक्सेशन क्या होता है, मैंने आपके सामने बात रखी। सेक्शन 48 का सेकंड प्रोविजो इनकम टैक्स एक्ट में इंडेक्सेशन के संबंध में प्रावधान करता है कि यदि आपकी लॉन्ग टर्म एसेट है तो आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। इंडेक्सेशन में हम करते क्या है सर, अपनी कॉस्ट को जिस ईयर में हमने ट्रांसफर किया, एसेट की कॉस्ट को जिस ईयर में हमने एसेट ट्रांसफर करी उस ईयर के इंडेक्स नंबर से तो गुणा करते हैं, और जिस ईयर में वो एसेट मैंने ली थी उस ईयर के इंडेक्स नंबर से हम भाग दे देते हैं। इस प्रकार से आपको एक इन्फ्लेटेड कॉस्ट मिल जाएगी, वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट ही आपका इंडेक्सेशन है। इंडेक्सेशन कब से किया जाता है, तो मेरी बात को आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मैं इसे दोबारा रिपीट करता हूं। इंडेक्सेशन में उस ईयर से करता हूं जिस ईयर में मैंने संपत्ति को खरीदा था, निर्माण किया था या उस पर विकास कार्य किए थे, और उसको जिस ईयर तक मैं बेच रहा हूं उस ईयर तक के लिए मैं इंडेक्सेशन करता हूं। किस राशि का इंडेक्सेशन किया जाता है, जो राशि मैंने लागत के रूप में भुगती है, जो राशि मैंने विकास कार्य पर यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पर खर्च करी है, इंप्रूवमेंट पर खर्च करी है, उन सारी कॉस्ट का सर इंडेक्सेशन किया जा सकता है। क्या सभी संपत्तियों के बेचने पर इंडेक्सेशन मिलता है? सर आप कोई भी रियल एस्टेट जो लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में बेच रहे हैं, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो मकान संपत्ति हो, चाहे वो कृषि भूमि हो, सब पर सर आपको इंडेक्सेशन मिलेगा, इसमें 1% भी डाउट नहीं है। अब सर मैं आपके सामने मेरा अगला प्रश्न रख रहा हूं, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम से कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचता है? ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट लेकर के क्यों आए सर, इसको जरा समझिएगा। मैंने अभी आपके सामने बात रखी कि सरकार ये कह रही है कि आप नई संपत्ति 2 साल में खरीद सकते हैं या 3 साल में बना सकते हैं। अब सर 2 साल या 3 साल एक लंबी अवधि है, तब तक हो सकता है पैसा मेरे से इधर उधर खर्च हो जाए, एक।
दूसरा ये भी हो सकता है कि मैं उस 2-3 साल की अवधि में वास्तव में कंप्लायंस नहीं कर पाऊं, मैं ध्यान नहीं रख पाऊं कि मुझे खरीदना भी था। तो सरकार ने मेरा ध्यान आकर्षित किया कि ओके, इफ यू स्टिल वॉन्ट टू एंजॉय द एग्जम्पशन डेस्पाइट दैट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया नई संपत्ति में और इधर आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग असेसमेंट ईयर 19-20 की रिटर्न भरने जा रहे हैं। मान लीजिए मेरे एक मित्र ने 1 जनवरी 2019 को एक संपत्ति बेची और उसका पूरा मानस है कि वो नया फ्लैट खरीद लेगा, लेकिन नया फ्लैट अभी उसको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, अभी उसको मिल नहीं रहा है। तो वो सर ये चाहता है कि ओके, मेरे 31 जुलाई 2019 ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न आ रही है, भटिया जी अगर मैं नई संपत्ति तब तक नहीं खरीद पाया तो मुझे एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? तो मैं उसको निश्चिंत कर सकता हूं कि दोस्त आप चिंता ना करें, व्हाट यू कैन सिंपली डू, आप अपने कैपिटल गेन की राशि को, क्योंकि आपने मकान बेचा है तो आपको केवल कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना है, आप कैपिटल गेन की राशि को एक नई संपत्ति में इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बोले नई संपत्ति में तो अभी समय लग रहा है ना, तो मैंने कहा ओके, आप फिर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 एक सरकार ने नोटिफाई किया उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जब आपका मकान आइडेंटिफाई हो जाए 2 साल की अवधि में, आप उस पैसे को वहां यूज कर लेना। तो बहुत बढ़िया सर, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम आपको कैपिटल गेन टैक्स बचाने में मदद कर रही है, क्योंकि आपने रियल इन्वेस्टमेंट नई संपत्ति में नहीं किया तो भी सर ये आपको फिलहाल के लिए एग्जम्पशन दिला रही है। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है, मैंने ये प्रश्न का उत्तर आपके सामने एक उदाहरण के थ्रू रखा। ये कितने प्रकार की होती है सर? कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 2 प्रकार की होती है, टाइप ए और टाइप बी। एक तरीके से ये खाता होता है सर जो आपको एक बैंक में खोलना होता है, वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के लिए अधिकृत बैंक होता है, जैसे नेशनलाइज बैंक है या प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी खोल सकते हैं। टाइप ए अकाउंट एक सेविंग बैंक अकाउंट के रूप में खुलता है और टाइप बी अकाउंट एफडी अकाउंट के रूप में खुलता है। आप देखिए सर, जैसे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो मैं उसे बोलूंगा सर टाइप ए अकाउंट खोलो ताकि आप समय समय पर पैसा निकालते रहो। कोई खरीदने के लिए रख रहा है, अभी पता नहीं है 6 महीने साल भर लग जाए, तो वो एफडी अकाउंट में भी रख सकता है। तो टाइप ए अकाउंट टाइप बी अकाउंट, ये आपको बताना है बैंक को कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं। इसमें पैसा कब तक जमा कराना होता है? इसमें पैसा सर आपको जमा कराना है बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). आपकी जो भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है 31 जुलाई 30 सितंबर, उससे पहले पहले सर आपको पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना है। इससे पैसे निकालते कैसे हैं सर? आप जैसे मैंने बोला सर सेविंग अकाउंट है तो आप समय समय पे विड्रॉ करते रहें, और अगर एफडी अकाउंट है तो आपको एक फॉर्म भर के देना है और बैंक आपको वो पैसा निकालने की परमिशन दे देगा। तो सर ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा निकाला जा सकता है। यदि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा नहीं निकालें तो क्या परिणाम होगा? तो सर आपने फॉर एग्जाम्पल 2 साल या 3 साल की अवधि निकल गई और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के पैसे को यूज नहीं किया, तो इनकम टैक्स लॉ के एग्जम्पशन के सेक्शन 54(54F) ये कहते हैं कि फिर उस ईयर में, जिस ईयर में आपका 2 साल या 3 साल की अवधि जैसे मैंने पहले डिस्कस करी थी पूरी हो जाएगी, उस साल में वो पैसा आपका टैक्सेबल हो जाएगा जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पड़ा है और अनयूज रहेगा। आपसे उतने पैसे पर टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ले लेगा और बैलेंस राशि को सर फिर आप आगे अपने निजी पर्पजेस से जो भी आपको अदरवाइज लगता है उसको आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब मैं सर आपके सामने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर शुड बी सम क्लैरिटी रिगार्डिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन। कैपिटल गेन की गणना का सही तरीका क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से समझिएगा। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला रख रहा हूं, कैपिटल गेन की गणना का फॉर्मूला बहुत सरल है। बेचने पर प्राप्त धनराशि, आपने किसी संपत्ति को बेचा, व्हाट इज द कंसिडरेशन दैट यू रिसीव, ये आपको सबसे पहले एक कागज पर लिख लेना है। इसमें से अब आपको घटाना शुरू करना है बेचने के खर्चे। ठीक है, आपने संपत्ति को बेचने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट दिया, कोई ब्रोकरेज दिया, माइनस कर लीजिए, घटाइए संपत्ति की लागत। मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, यदि आपने लॉन्ग टर्म एसेट बेची है तो आपकी संपत्ति की लागत इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, आप वो घटा लीजिए। घटाइए संपत्ति पर किए गए विकास या इंप्रूवमेंट की खर्चे अथवा राशि। आपने मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट खरीदी थी, लैंड खरीदी थी, उसके ऊपर बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली, उसके ऊपर एक मकान बना लिया, उसके ऊपर कोई ट्यूबवेल खुदवा लिया, उसके ऊपर कोई मार्बल का काम करा लिया, ये सारे खर्चों को सर आप कैपिटल गेन की गणना में घटा सकते हैं। और इस प्रकार जो बेचने पर आई धनराशि में से बेचने के खर्चे, संपत्ति की लागत, विकास कार्य के खर्चे घटाने के बाद जो नेट राशि बचेगी वो कैपिटल गेन है। और आपको जैसा मैंने पहले बोला कि आपको कैपिटल गेन या नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है, तो यदि आपको कैपिटल गेन सर इन्वेस्ट करना है तो आप
कैपिटल गेन जो फाइनल आएगा उसको इन्वेस्ट करेंगे, और यदि आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है तो आपको बेचने पर आई प्राप्त धनराशि को इन्वेस्ट करके एग्जम्पशन क्लेम करनी है। अब मैं सर इस अपने कैपिटल गेन का जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला रखा उसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए मैंने एक संपत्ति बेची और मुझे उसे बेचने से 60 लाख रुपए प्राप्त हुए, ये कोई लैंड थी। इसे बेचने पर मेरे 40,000 रुपए ब्रोकरेज के लग गए, तो मेरा नेट कंसिडरेशन हो गया 60 लाख माइनस 40,000 यानी 59,60,000। अगर मैं नया मकान बनाऊंगा और मुझे एग्जम्पशन लेनी है तो ऐसी परिस्थिति में मुझे 59,60,000 प्रयोग करने। यदि जो उदाहरण मैं दे रहा हूं उसमें मेरी बेची गई संपत्ति एक मकान था तो सर मुझे नेट कंसिडरेशन नहीं इन्वेस्ट करना, मैं कैपिटल गेन इन्वेस्ट करके ही बच जाऊंगा, कैपिटल गेन का टैक्स बचा लूंगा। लेकिन मैं इस उदाहरण में आगे चलता हूं, मेरी संपत्ति की लागत थी सर मान लीजिए 1/4/2001 को 5 लाख रुपए। उस समय का इंडेक्स नंबर था 100। वित्त वर्ष 18-19 में यदि मैंने ये संपत्ति बेची तो उस समय का इंडेक्स नंबर है 280, तो मेरी 14 लाख रुपए की इंडेक्स कॉस्ट होगी। मान लीजिए वित्त वर्ष 12-13 में मैंने 4.5 लाख रुपए बाउंड्री के खर्च किए थे तो सर उस समय का इंडेक्स नंबर था 200, वित्त वर्ष 18-19 में इंडेक्स नंबर था 280, तो मेरी 6,30,000 डेवलपमेंट की कॉस्ट हो गई। इस प्रकार से सर 60 लाख में से 40,000, 14 लाख और 6,30,000 घट के मुझे नेट कैपिटल गेन 39,30,000 बच गया। मैं फिर कह रहा हूं सर, यदि मैंने लैंड बेची तो मुझे कैपिटल गेन फुल्ली एग्जम्प्ट कराने के लिए 59,60,000 इन्वेस्ट करने हैं, और यदि मैंने मकान बेचा है और मुझे पूरा कैपिटल गेन पर टैक्स बचाना है तो मुझे मात्र 39,30,000 ही इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहां पर अपने इस डिस्कशन को समाप्त करता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मुझे सुनने के लिए, मुझे प्रोत्साहित करते रहने के लिए। आई होप मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो आपको कैपिटल गेन के टैक्स को बचाने में, कैपिटल गेन के रीइन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करने में और उससे रिलेटेड जुड़े हुए प्रश्नों, इंडेक्सेशन वगैरह, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम वगैरह पर कुछ निर्णायक भूमिका अदा करने में काम में आएगी। मुझे सुनने के लिए, मेरे वीडियो को देखते रहने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।